अपने भाई का विलन का किरदार। जी हाँ दोस्तों, मैं निशा चोपड़ा फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, और इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे साथ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। टाइगर श्रॉफ को सभी जानते ही होंगे, वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के फिलौते बेटे जो हैं। वैसे टाइगर श्रॉफ की अपने पिता से हटकर अपनी खुद की एक अलग पहचान है। वो अपने बलबूते पर बॉलीवुड में नाम बनाने में सफल रहे हैं। टाइगर का नाम सुनकर सभी यंगस्टर्स के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सभी उनके बेहतरीन डांस मूव्स और उनकी फाइन एक्शन सीन्स के दीवाने हैं। सबको अपना बनाए रखने वाले टाइगर जल्द ही भागी 4 में लीड रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड की सबसे सिंपल और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आ सकती हैं। फिल्म को जाने माने डायरेक्टर और कोरियोग्राफर अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। टाइगर और श्रद्धा के साथ फिल्म में और भी कई नाम कलाकार सपोर्टिंग रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में काम करने के लिए सपोर्टिंग एक्टर्स को डिसाइड करके उन्हें अप्रोच करने का काम फिल्म की कास्टिंग टीम कर रही है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि कल फिल्म में नजर आने वाले लीड एक्टर्स को फिल्म के डायरेक्टर खुद अप्रोच करके फाइनलाइज करते हैं, और बाकी एक्टर्स को फिल्म की कास्टिंग टीम उनको अप्रोच कर फाइनलाइज करती है। फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स को कास्ट करने का काम बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा कर रहे हैं। वो बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ फिल्म में स्टार कास्ट को कास्ट करने का काम कर चुके हैं। उन्होंने सूरज बर्टिया, राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप, अभिषेक मुखर्जी और करण जौहर जैसे और भी कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और अब वो अहमद खान की अपकमिंग फिल्म के लिए बेहतरीन स्टार कास्ट को कास्ट करने का काम करेंगे। फिलहाल मुकेश फिल्म में एक विलन को कास्ट करने के लिए काम में बिजी हैं। उन्होंने अब तक कई एक्टर्स को फाइनल किया है और उन्हें सेलेक्टेड कैटेगरी में लिखा है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग पूरी होते ही वो फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार विलन के कैरेक्टर प्ले करने के लिए भी किसी को अप्रोच। खबरों की माने तो मुकेश विलन के रोल निभाने के लिए साउथ के एक्टर सुधीर बाबू को अप्रोच कर सकते हैं। सुधीर ने इससे पहले फिल्म सीरीज की पहली फिल्म बागी में विलन का रोल निभाया था, और अब अनुमान है कि वो इस बार भी बागी 4 में विलन का रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं। सुधीर एक कमाल के एक्टर हैं, और फिल्म बागी में उनकी बेहतरीन एक्टिंग और एक्शन सीन्स देखकर सभी उनके फैन हो गए हैं। उनकी फिल्म में देखकर ऑडियंस ने ये भी कहा कि विलन इतना हैंडसम कब से होने लगा। अगर सुधीर बाबू फिल्म में हीरो बनते हैं तो फिल्म को वाकई में अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि साउथ में अच्छी पकड़ है उनकी। टाइगर और श्रद्धा स्टारिंग ये फिल्म अगले साल के अंत तक रिलीज की जा सकती है। बस फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे बॉलीग्राड स्टूडियो से। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड के फिल्मों की एक एक खबर, और आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक, और कमेंट्स में बताएं हमें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड।